अच्छा पुट पेन जो जी जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर, कौन से रूल जो होते हैं वो हम जिससे सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। बेटा किसी का माइक जो है वो ऑन है, वो अपना माइक जो है म्यूट कर दे। बेटा सूरज आपका माइक ऑन है, बेटा सुमैया आपका भी माइक ऑन है, आप म्यूट कर दें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम जो है वो पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रूल्स को क्या जो सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद जो है हम लास्ट लास्ट टॉपिक जो करेंगे वो साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से करेंगे, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और उसको हम किस तरह हेलो से सर, डिस्कस करते हैं। जी बेटा किसने अभी हेलो किया था? ठीक है बेटा, तो हम अभी जो है वो वन बाय वन ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज, यहाँ पर आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, उसी की मदद से लेकर आप जो है वो पूछ सकते हैं। और कोई भी माइक अपना जो है वो म्यूट नहीं करेगा, अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन एनी मेयरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट नंबर। हम सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं? देखिए बेटा, हम जो है फिजिकल जब भी कोई फिजिक्स के अंदर चीज़ लेते हैं तो हम उसको मेयरमेंट करते हैं, उसकी मेयर करते हैं। जैसे कि अगर आपको एक रॉड की मेयरमेंट लेनी है तो हम क्या करेंगे, उसको जो है सेंटीमीटर या मीटर की मदद लेकर उसको मेयर करेंगे। सही है, तो लेट सपोज उस जो हम चीज़ जिस चीज़ को मेयर कर रहे हैं उसकी जो लेंथ आ रही है वो 320.5 आ रही है। कितनी आ रही है आपके पास? 320.5। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपके पास जो मेयरमेंट आ रही है वो आपके पास आ रही है कितनी, 320.5। ठीक है, कितनी, 320.5। सही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक तो एक्यूरेट डिजिट्स आ रही है, मतलब कि मेयरमेंट आ रही है, जो ये चीज़ है 320, ये आपकी क्या है, एक्यूरेट डिजिट्स है, मतलब कि ये आपके मेयरमेंट के एक्यूरेट आ गए हैं। लेकिन इस पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स, जो ये डिजिट्स हैं, इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ द अनसर्टेन, दिस इज़ द डाउटफुल, मतलब कि ये डिजिट्स आपके जो है वो वेरी होते रहेंगे। आप जब मेयरमेंट करते रहेंगे, एक मरतबा मेयर करेंगे चीज़ को, ठीक है, तो वो अलग से आएगी। लेट सपोज़ के अंदर कुछ एरर आ गए, सही, लेट सपोज़ आपने उसकी थोड़ी सी पॉइंट जो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा काउंट कर लिया या 1 सेंटीमीटर कम ज़्यादा जो है काउंट कर लिया, तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट जो होता है, जो ये आपके मैथ के हिसाब से ये फर्स्ट डिजिट्स आ रहा है, मतलब कि ये यूनिट प्लस पे रहा है, तो ये डिजिट जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट्स, और ये आपके होते हैं एक्यूरेट डिजिट्स। ये नंबर कौन से होते हैं आपके, एक्यूरेट डिजिट्स। तो बेटा जब हम फिजिक्स के अंदर जो चीज़ों की मेयरमेंट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द नंबर, तो हम उस चीज़ को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। उस चीज़ को क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। किसी को अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जी बेटा मुनेश, सर एक दो सर फिर से समझाओ। बिल्कुल बेटा। बेटा हमने यहाँ पर अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है कि इफ एनी मेयरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर।
हम सिग्निफिकेंट फिगर्स उन नंबर्स को कहते हैं, ठीक है बेटा, कौन से उन नंबर्स को, जब हम किसी चीज़ की मेयरमेंट कर, एक तो हमारे पास एक्यूरेट नॉन डिजिट्स आएंगे, मतलब कि ये तो आपके आने ही आने हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने रॉड की जो है वो मेयरमेंट ली है, जिसकी मेयरमेंट जो आई है 320.5, तो 320.5 अगर आपका जवाब 320 भी आ जाता है तो भी आपका एक्यूरेट डिजिट्स है, क्योंकि आपके पास जो है वो 320 की मतलब के वेरिएशन के 0.5 की आप ज़्यादा वेरिएशन इतनी नहीं होती है। तो आपने क्या कहा कि आपके पास एक्यूरेट नॉन डिजिट्स आ गए, मतलब कि जो आपको चाहिए थे वो डिजिट्स आपके पास आ गए, सही। और दूसरा 0.5, अब ये 0.5 मैंने कहा कि ये डाउटफुल डिजिट्स है, मतलब कि ये वेरी होते रहते हैं, अनसर्टेन होते हैं, ठीक है बेटा। मतलब कि ये जब हम लिखते हैं तो, या जब मेयरमेंट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर चेंजिंग आती रहती है, सही। तो नॉन डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट्स जब हम मेयरमेंट के अंदर मालूम करते हैं तो उन नंबर्स को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे पास हमें कैसे पता चले कि अगर हम कोई मेयरमेंट ले रहे हैं तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने नहीं है, तो एक रूल बनाया गया, एक प्रोसीजर बनाया गया, उस रूल को हम फॉलो करके सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड कर सकते हैं। तो फिलवक्त हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर की हमने एक डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखी है कि इफ एनी मेयरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट नंबर, सही है। उस नंबर के वो क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो कि एक्यूरेटली नॉन होंगे, और डाउटफुल जो डिजिट्स होते हैं उनको हम कहेंगे कि दैट्स द सिग्निफिकेंट फिगर, सही है बेटा। किसी और का कोई क्वेश्चन बेटा? बेटा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, नो सर। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं हम जो है वो किस तरह से सिग्निफिकेंट को देख सकते हैं या मायर कर सकते हैं। तो पहले चीज़ आपको, एक चीज़ तो यहाँ पर जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं मुझे आप में से कौन बताएगा एक मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? ये हमने लास्ट टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? सेवन थाउजेंड 1000 सेंटीमीटर। बेटा क्या बात कर रहे हो? नो सर, 100 सेंटीमीटर होते हैं सर। बिल्कुल बेटा, एक मीटर के अंदर जो आपके पास होते हैं वो होते हैं कितने? 1 मीटर के अंदर आपके पास होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। बेटा सूरज अपना माइक को म्यूट कर दें, ठीक है बेटा। 1 मीटर के अंदर आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, सही है। एक बात यहाँ पर आपके पास क्लियर हो गई, सही। अब मैंने कहा कि मैंने एक रॉड की मेयरमेंट की है और उसकी मेयरमेंट जो आई है वो मेरे पास आई है 120 सेंटीमीटर। कितनी आई है? 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास अब क्या है, 120 आपके एक एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स है, मतलब कि आपके पास ये डिजिट्स आ गए हैं, सही है। अब अगर इसको मैं जो है कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर में, ठीक है बेटा, क्या कर रहा हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब तो यहाँ पर क्या था, 100 सेंटीमीटर थे और यहाँ पर क्या है, 1 मीटर, मतलब 1 मीटर बनकर 100 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो 120 सेंटीमीटर कितने होंगे? तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि 120 को मुझे डिवाइड कर देना है 100 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है आपके पास? 100 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया, 120 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया, तो 100 यहाँ से चला गया। अब जब मैं 12 को 10 से डिवाइड करता हूँ, 12 को 10 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो 1 10 पीछे रह गए 2। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉइंट देकर 0 लगा दूँगा, ठीक है, और 2 10 20, सही। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया।
अब यहाँ पर आपके पास कितने आपके पास आ गए 1.2। तो अब आप यहाँ पर ये क्या कह रहे हो कि 1.2, तो आपके पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, अब दो डिजिट्स हुए। नहीं, ये आपका आंसर जो होगा वो गलत काउंट किया जाएगा, ये 1.2 काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने कितने से डिवाइड किया इसको, 100 से डिवाइड किया, तो आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक डिजिट्स आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो है 1.2 है ये 10 से डिवाइड किया गया हुआ। इसका मतलब क्या है, 1.2 किससे डिवाइड किया गया है, 10 से डिवाइड किया गया है। तो इसके लिए हम आगे इसको एक मजीद जीरो दे देंगे। तो अब यहाँ पर इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो अब ये जो है वो आपका कहलाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपका क्या कहलाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन? यस सर, क्लियर। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन? हफ्सा, आसमा, सुमैया? नो सर, नो सर। ठीक है बेटा, तो मैं आपको अभी एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, आप मुझे उसको कन्वर्ट करके बताएं, ठीक है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, सही है, फिर मुझे बताएं कि जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, सही है। अच्छा बेटा, मेरे पास एक मेयरमेंट है, ठीक है बेटा, एक मैंने एक चीज़ को मेयर किया है और उसका जो मेरे पास जवाब आ रहा था वो आ रहा था, वो मेरे पास आ रहा है 1.200 मीटर। कितना आ रहा है मेरे पास, 1.200 मीटर। या फिर आप ऐसा करें, आपको मैं जो है वो कह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर में होते हैं आपके पास कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने हैं आपके पास, 1000 मीटर होते हैं, सही है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको मुझे इस चीज़ को, मेरे पास जो है वो 1.2 या ऐसा कर 1500 किलोमीटर मेरे पास है, सही है। अब आपको क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले मुझे मीटर में कन्वर्ट करें और उसके बाद मुझे बताएं कि आपके पास कितने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। चलो आप ऐसा करें, इसको 1500 को ही छोड़ दें, आप इसको जो है 15 ही कर दें सिर्फ, सही है, 15 किलोमीटर कर दें। आपके पास 15 किलोमीटर है और उसको जो है आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, सही है। और आपको मुझे बताने के इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, फिल वक्त आप मुझे इतने ही बताएं, फिल वक्त आप मुझे यही बताएं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे बस। जी बेटा स्टार्ट करें, आपके पास 2 मिनट हैं। बेटा सॉल्व कर रहे हो या जस्ट बैठे हुए हो? सर सॉल्व कर रहे हैं सर, इसका सॉल्व कर, सूरज सॉल्व कर। जी बेटा आप अपने पास ही रखें, मैं सॉल्व कर रहे हैं। जी जी बेटा सॉल्व करें और जब सॉल्व हो जाए तो मुझे बताए, तो मैं आपको जो है वो आपसे पूछूं वन बाय वन के किसका क्या जवाब आ रहा है। सर सॉल्व कर दिया।
वेरी गुड बेटा, और किसने सॉल्व किया है अभी तक? सर हिजबुल्ला तां जो माइक जो है वो म्यूट करे है जी। सर क्या हम आपका आंसर बता सकते हैं? हाँ जी बेटा, वेट करें थोड़ा सा, आपके जो है दोस्त वो भी सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद जो है मैं जो है मज़ीद यहाँ पे डिस्कस भी करता हूँ और वन बाय वन आपका जो है आंसर चेक भी करता हूँ। सही है बेटा? सर अच्छा बेटा, सबका हो गया, अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ और आप जो है वो मुझे बताइए क्या किसका जवाब जो है वो सही आ रहा है। सही, मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि बेटा सब मेरी तरफ़ देखें बेटा, बोर्ड इस वीडियो की तरफ, कि यहाँ पर मैंने कहा 1 किलोमीटर के अंदर आपके पास कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। सही है? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1 किलोमीटर आपके 1000 मीटर के बराबर है। फिर मैंने कहा कि 15 किलोमीटर के अंदर आपके पास कितने मीटर होंगे? तो आपको क्या करना है, 15 को डिवाइड करना है किसके साथ? 1000 के साथ। सही है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 को डिवाइड करना है 1000 के साथ, लेकिन आपके पास 15 जो है वो क्या है, छोटी रकम है। क्या है? छोटी रकम है। और 1000 क्या है आपके पास? बड़ी रकम है। तो आप 15 को 1000 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आपने क्या किया, पॉइंट देकर, 0 पॉइंट देकर आपने क्या किया, इसको एक और जीरो लगा दिया। सही है? तो ये आप कितने हो गए, 150 हो गए, लेकिन अभी तक भी इसको जो है वो सही से नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, अब पॉइंट के बाद मैं अब दूसरा पॉइंट नहीं दे सकता, इसके लिए मैंने मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देना है। तो जब मैंने यहाँ पर ज़ीरो लगाया तो यहाँ पर अब हो गए ये 1500। अब 1500 बड़े हैं और 1000 क्या हैं आपके पास, छोटे हैं। तो 1500 को 1000 की टेबल आपकी 1 टाइम लग रही है, जैसे कि 1001। तो मैंने क्या लिखा, 1001। तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और यहाँ पर 5, और ये 0। अब फिर से आपके पास क्या आ गए, 500 आ गए। अब आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले पॉइंट भी दे दिया है और आपने क्या किया है, 0 भी लगा दिया था। तो अब आप अपनी मर्जी से आपने क्या किया, इसके एंड में 0 लगा दिया। अब ये हो गए 5000। 5000 आपके पास कितने हैं, 1000। तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएंगे 5000। तो मैंने यहाँ पर 5000 कर दिए, तो ये रिमाइंडर आपका कट गया। तो आपके पास जवाब क्या आया, 0.015। अब यहाँ पर भी इसके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर ही है। अब मुझे कैसे पता चला कि इसके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है? कि सर आपने तो यहाँ पर तो हमें जो है 4 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, एक ज़ीरो नज़र, ये ज़ीरो नज़र आ रहा है, एक ज़ीरो ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है। तो मुझे कैसे पता चल गया कि ये डिजिट जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर का रिजल्ट है? सही है? तो ये हम अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सीखेंगे। फिल वक्त आपको जस्ट यही समझना था कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, आप उसको किस तरह से मेजर कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पर जो दो एग्जाम्पल लिए थे उसके अंदर जो है एक डाउटफुल डिजिट्स भी देखे थे और अनसर्टेन जो होते हैं एक्यूरेट जो नंबर थे वो भी मैंने देखे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वन जो है वो क्या है एक्यूरेट डिजिट्स है, और फाइव जो है वो क्या है आपका डाउटफुल डिजिट्स है, मतलब कि फाइव जो है वो वेरी हो जाएगा, फाइव फोर भी हो सकता है या सिक्स भी हो सकता है, मतलब 0.015 भी आ सकता है आपका और 0.016 भी आ सकता है जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो विथ फिजिकली, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट लेकर या आप अपने हाथों से उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही है। अब हमें ये वन बाय वन सिग्निफिकेंट फाइंड करने का तरीका जो है वो सीखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड बेटा। अब आ जाते हैं हम वन बाय वन जो है वो किस तरह से ये सीख सकते हैं। अब पहली पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल यहाँ पर आप में से कोई मुझे पढ़कर बताए, मुनेश आप मुझे पढ़कर बताएं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट रूल। सर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर साइनिफिकेट, एग्जांपल वन वन टू थ्री हैज थ्री साइनिफिकेंट फिगर्स वन टू एंड थ्री। वेरी गुड बेटा। ये साइग्नफिकेंट फिगर नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बेटा, तो इस लफ्ज को थोड़ा सा रिपीट करें। ठीक है, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा, क्या है ये सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट। बिल्कुल अच्छा यहाँ जी, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर, वो डिजिट्स जिसके अंदर जीरो ना आए, जिसके अंदर कोई भी जीरो ना हो, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, वो सारे के सारे डिजिट्स क्या कहलाएंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर। लेट सपोज यहाँ पर क्या है वन टू थ्री, इसके अंदर जीरो है बेटा, नहीं है, तो ये तीनों के तीनों, मतलब वन भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, टू भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, और थ्री भी आपका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर, यस सर। चलो बेटा हम जो है वो अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके एग्जांपल की मदद से जो है वो पता कर लेते हैं किसको क्या क्लियर है किसको क्लियर नहीं है अभी तक। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा पहला रूल यहाँ पर हमें क्या कह रहा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो भी डिजिट्स आएंगे वो आपके क्या होंगे, जिसके अंदर जीरो ना हो वो क्या कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप में से मुझे बताएं कि 1532 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हैंड रेज करिए। जी बेटा आसमा आप बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर। सर फोर। जी बेटा सूरज आप बताएं। सर फोर। जी बेटा मुनेश आप बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर। सर फोर हैं। वेरी गुड बेटा, इसके अंदर हमारे पास जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपके पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने? फोर सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा आप में से मुझे ये कोई बताए कि 1 2 3 9 6 2 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जी बेटा हैंड रेस कीजिएगा। जी बेटा अलीशबा आप मुझे बताएं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जी बेटा बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
सर मैं लेट आई हूँ, मैंने लेट अटेंड की क्लास। सर मैं बताऊं? सर फोर जी बेटा मुनेश आप बताएं। सर सिक्स सर। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर हमारे पास सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि हमने काउंट किया, एक ये सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ये 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 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही हमें रूल में बता दिया गया कि जो जिस नंबर के साथ ज़ीरो ना आए, जिस नंबर के साथ ज़ीरो ना आए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब कोई भी नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लेट सपोज के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5321, तो यहाँ पर हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे अंडरस्टूड है ये चीज़, क्लियर है कि ये जो भी जिसके अंदर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, मतलब कि जो भी आपके ज़ीरो के अलावा जो भी डिजिट्स हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये 4 आपके हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है पहला रूल बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा चलो बेटा अब आ जाते हैं दूसरे रूल के मुताबिक। दूसरा रूल क्या कहता है आपके पास? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ीरो अपेयरिंग बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अगर आपका ज़ीरो आ जाए किसी भी दो डिजिट्स के दरमियान, मतलब कि किन्हीं कोई भी नंबर, मतलब 1 से लेकर 9 के दरमियान कोई भी नंबर है उनके दरमियान अगर आपका ज़ीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब अभी तक हम पहले क्या किया, नॉन ज़ीरो डिजिट्स की बात की, अब हम बात कर रहे हैं कि ज़ीरो इन बिटवीन आ जाए, मतलब कि किसी भी दो नंबर के दरमियान में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7003, तो यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो आ रहे हैं 2 डिजिट्स के दरमियान। सही है, तो ये आपका काउंट होगा, ये ज़ीरो आपका काउंट होगा। तो पहले रूल के अंदर हमने पहले ही कहा था कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो वो तो ऑलरेडी काउंटेबल हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, लेकिन अब हम ज़ीरो को लेकर आए हैं कि ज़ीरो किस तरह से सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर ज़ीरो आपका किसी भी नंबर के दरमियान में आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा 7003, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरह से 40.71, तो यहाँ पर आपके पास कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 4 सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो जो है वो नंबर्स के दरमियान में। सही है, इसी तरह से 2.503, तो इसकी यहाँ पर भी आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। वो क्यों है? क्योंकि आपका ज़ीरो जो आ रहा है वो इन बिटवीन आ रहा है किसी डिजिट्स के इन डिजिट्स, मतलब कि किसी भी नंबर के दरमियान में आ रहा है, तो वो काउंटेबल है, वो आपका क्या है, काउंटेबल है। सही है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1002, तो यहाँ पर भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसी तरह से 302, तो यहाँ पर ये आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। मैं यहाँ पर जो है वो लिख रहा हूँ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हैंड रेस करिएगा। जी बेटा सुमैया आप मुझे बताएं यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिक्स।
जी बेटा सुमैया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर मौजूद हैं? सुमैया कह रही है 6 है। अच्छा बेटा अलीशवा, आप मुझे बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद हैं? Yes, sir, 6। जी बेटा कितने हैं? 6। अच्छा बेटा अब मुझे आसमा बताएगी कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मुझे नजर आ रहे हैं? सर 6 हैं। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो 3 जीरो आ रहे हैं वो 3 जीरो किसी डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं, तो ये हमारे 6 सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। सही है बेटा? अभी तक हमने सिर्फ पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स की बात की और अब ज़ीरो की बात कर रहे हैं कि ज़ीरो अगर आपका किसी भी नंबर के दरमियान में आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। सही है? तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर 2 जीरो आए और ये 2 जीरो दोनों डिजिट्स के दरमियान में थे, इसी तरह से ये 0 भी इसी 2 डिजिट्स के दरमियान में था, तो मैंने कहा कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो यहाँ पर मेरे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बेटा? कोई क्वेश्चन? नो सर। यस सर, क्लियर। नो सर। अच्छा बेटा, अब जो रूल आने वाले हैं वो रूल आप थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, ये रूल आपके लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आप बच्चे जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है बेटा? तो पहले हमने 2 रूल पढ़े जिसके अंदर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स की बात की और दूसरी बात हमने की अगर ज़ीरो आपका इन बिटवीन जो है नॉन डिजिट्स के दरमियान में आ जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ज़ीरो अपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, आर नॉट अ सिग्निफिकेंट, दे आर एक्टिंग एज अ स्पेस होल्डर। यहाँ पर कि ये बात कह रहा है कि अगर आपका कोई ज़ीरो किसी नंबर के सामने आता है, किसी नंबर के सामने आता है, उनके बराबर मतलब उनके सामने वो नंबर पहले आ जाता है, ठीक है, 0.0081 या 0.561 या 0.0033, तो यहाँ पर ये नंबर सिग्निफिकेंट, ज़ीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जस्ट एक्ट कर रहा है कि ये स्पेस को एक्ट कर रहा है, ये कोई मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पर, ये जस्ट एक स्पेस जो है वो घेरे हुए है तो स्पेस को जो है वो कवर कर रहा है। सही? तो यहाँ पर 0.081 में सिर्फ 2 नॉन डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट ये कहलाएंगे, 0.56 में सिर्फ 2 नॉन डिजिट्स हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, इसी तरह से 0.00033 तो यहाँ पर भी आपके 3 जीरो जो है 4 जीरो जो है वो 3 से पहले आ रहे हैं तो वो 4 काउंटेबल नहीं होंगे। सही? दूसरी बात, आप इसको इस तरह से समझ लें कि अगर आपका ये नंबर आपका 1 से लेस देन है, अगर आप 0.0 से बात करें तो मतलब कि ये नंबर आपका 1 से छोटा है। सही? तो 1 से छोटा होना मतलब कि 1 से अगर आपका कोई नंबर छोटा है और उसके सामने कोई ज़ीरो आ रहा है तो वो ज़ीरो काउंट नहीं होगा, वो ज़ीरो काउंट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ पर कुछ जो है डिजिट्स लिख रहा हूँ और आप मुझे जो है वो 1 by 1 जो है वो बताएंगे कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। ठीक है? तो पहला जो है यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 0.0032, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दूसरा मैंने प्रॉब्लम लिखा 0.0020 2, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? फिर मैंने लिखा 0.0015009, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? चौथे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ 0.0010, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं?
तो कौन बताना चाहेगा? सर मैं आए हाँ जी, चार बच्चों ने हैंड रेस किए हैं फिल वक्त। जी बेटा आसमा, आप मुझे बताएं कि फर्स्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है? सर दो। दो सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा बेटा सुमैया, क्या आसमा सही कह रही है, इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है फर्स्ट पार्ट के अंदर? यस सर, यस सर। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो सिग्निफिकेंट नंबर मौजूद हैं, क्योंकि हमें रूल ये कह रहा था कि अगर नंबर के सामने कोई आपका ज़ीरो है तो वो ज़ीरो काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपके दो जो है नॉन डिजिट्स जो होते हैं, जो दो जो आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वही काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके दो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएँगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएँगे? दो। अच्छा दूसरे पार्ट में मुझे अलिशवा बताएगी कि इसके अंदर कितना कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद है। बेटा अलिशवा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। अलिशवा कह रही है कि टू सिग्निफिकेंट जो है वो मौजूद हैं। मुनेश क्या ये सही कह रही है? नो सर, ये सही नहीं कह रही है। तो बेटा आप मुझे बताओ कि इसका क्या जवाब आएगा, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है? तीन। सूरज आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है? यस सर, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर हमें जो है तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब वो कैसे सिग्निफिकेंट मौजूद, मुझे पता कि तीन कैसे चला, क्योंकि पहले रूल के अंदर मुझे बताया गया था कि जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही है। दूसरा रूल जब मुझे बताया था तो उसके अंदर कहा था कि अगर आपका ज़ीरो किसी दो डिजिट्स के दरमियान में आ जाता है तो वो भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो आ रहा है ये दो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो ये अब काउंट किया जाएगा। ये आपका क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा, सही है। अब ये जो डिजिट्स आपके जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के सामने आ रहे हैं तो ये डिजिट्स आपके काउंटेबल नहीं है, ये ज़ीरो जो है वो आपके काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा बेटा अब मुझे जो है हफ्जा आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कुदेसी आप मुझे बताएं इस थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो कितने जो है सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है? बेटा कुदेसी बेटा अलिशफा आप मुझे बताएं सर फोर। आप बता सकती हैं कि आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर फोर सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है? थ्री जो है ना वो नॉन डिजिट है और जो फोर है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर है। फोर यहाँ पर तो कोई नहीं है, फोर यहाँ पर तो 0.01509 लिखा हुआ है। 1509 सर ये सिग्निफिकेंट फिगर है। बिल्कुल, ये 1509 जो है ये आपका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि 1 जो है वो आपका नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, 5 जो है वो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, 9 भी क्या है आपका नॉन ज़ीरो डिजिट्स है। तो ये तो तीन ऑलरेडी कंफर्म है कि ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन कहाँ पर हो रही थी, मुझे ज़ीरो के अंदर हो रही थी। अब दूसरे रूल के अंदर मुझे पहले ही बताया दिया गया था कि ज़ीरो अगर आपका दो डिजिट्स के दरमियान में आ जाता है तो वो काउंटेबल है, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंटेबल है। तो यहाँ पर आपके पास चार सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तीन जीरो जो है वो काउंटेबल नहीं है, ये अनसर्टेन है, ये काउंटेबल आपके नहीं होंगे। अच्छा चौथे नंबर पार्ट के अंदर भी इसी तरह से कुछ है, मतलब कि अगर आपका ये ज़ीरो अगर राइट इस साइड आ जाए, मतलब कि
आपके किसी नॉन जीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड आ जाए तो वो आपका काउंटेबल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास दो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, यहाँ पर ये आपके दो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कहलाएंगे। तो ये तीन जो पहले आ रहे थे ये तो काउंटेबल नहीं होंगे, लेकिन ये वन और ये ज़ीरो ये आपके जो है वो काउंटेबल है, तो यहाँ पर आपकी दो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। जी बेटा सुमैया, आपको कोई क्वेश्चन है? जी बेटा आपने हैंड रेज किया। जी बेटा मुनेश जी, सुमैया बेटा आपका हैंड रेज है। यहाँ तक क्लियर है आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के बारे में कि आप किस तरह से डिजिट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि ये नंबर जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो तीन रूल जो है अभी तक हमने पढ़े हैं, सही है बेटा? तो यहाँ तक कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब चौथा जो रूल कह रहा है कि जीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर एंड द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जीरो अगर आपका क्या हो, राइट साइड हो, राइट ऑफ द डेसिमल हो, मतलब कि डेसिमल के राइट साइड हो, सही है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंटेबल होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 65.00, तो 65, तो ये तो ऑलरेडी मुझे पता है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, सही। उसके बाद पहले मुझे बताया गया था कि 65 के सामने अगर ये होते हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड की तरफ से ये अगर नंबर होते हैं, मतलब कि 0.0065 होते तो ये ज़ीरो काउंटेबल नहीं होते। लेकिन अब ये 65.00 ये राइट हैंड डेसिमल के राइट हैंड साइड है, तो ये डेसिमल के राइट हैंड साइड होने के जो वजह से ये काउंटेबल किए जाएंगे। मतलब कि ये रूल कहता है कि इस ज़ीरो को हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करेंगे, सही। इसी तरह से टू, यहाँ पर ये चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह से 2.010, तो 2.01, तो यहाँ से तो ये तो मुझे सेकंड रूल के मुताबिक पता चल गया कि ये जो है वो क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि ये ज़ीरो जो है दो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो है चौथा ज़ीरो जो है वो वन के बाद आ रहा है। अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था जो है फोर्थ पार्ट, इसके अंदर भी हमने कहा था कि ये अगर आपके इस साइड आ जाए तो ये ज़ीरो काउंट किया जाएगा, ये ज़ीरो आपका काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 2.010, तो यहाँ पर भी आप कहेंगे कि यहाँ पर चार सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह से 7.00, तो यहाँ पर भी आपका 7 है पॉइंट के बाद, मतलब के डेसिमल के बाद जो है राइट हैंड साइड तीन ज़ीरो डिजिट्स, तीन ज़ीरो जो है वो आपके मौजूद हैं, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंटेबल है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, अब जो है यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर 65.02, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? टू, दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम उसके अंदर है 1.0020, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं? तीसरे नंबर पॉइंट पर मैं दे रहा हूँ कि 1.00900020, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद हैं। तो जो है आप हैंड रेज करें और मुझे जो है वन बाय वन जो है वो पता है।
जी बेटा हफ्सा, आप मुझे बताएं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है? जी अलीशबा, आप मुझे बताएं कितने फर्स्ट पार्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है? वेरी गुड बेटा, इसके अंदर जो है वो फोर जो है सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, क्योंकि अभी हमने जो है एक जो रूल पढ़ा था जिसके अंदर कहा था कि डेसिमल के राइट हैंड साइड अगर कोई आपका जीरो आ जाता है तो वो आपका काउंट होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर ये भी हमें मुझे पता चल रही है कि ये जीरो जो है दो डिजिट्स के दरमियान है, तो ये भी आपका काउंटेबल होगा। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर आपके फोर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है, सही है बेटा। अच्छा, दूसरे नंबर पार्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है? मुनेश, आप मुझे बताएं। सर पांच। मुनेश कह रहा है कि पांच सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर मौजूद है। आसमा, क्या ये सही कह रहा है? यस सर। अच्छा बेटा सूरज, आप मुझे बताएं यहां पर पांच जो है, ये आपके दोस्त कह रहे हैं कि यहां पर पांच जो है डिजिट जो सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, क्या ये सही है? सर नो सर, गलत है। ये गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से इनका जो जवाब है वो रॉन्ग है, आप मुझे बता सकते हैं? सर तीन सिग्निफिकेंट होने चाहिए, जो इनिशियल जीरो होते हैं सर वो तो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। बेटा आप जो है रूल को थोड़ा सा याद करें, मैंने क्या कहा था फर्स्ट रूल के अंदर? सर आपने कहा था कि जो पहला रूल आपने बताया था कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। सेकंड रूल में आपने ये बताया था कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जो भी मींस नंबर आता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है सर? बिल्कुल बेटा, तो आप मुझे यहाँ पर दूसरे नंबर पार्ट पर आप तीन सिग्निफिकेंट फिगर कह रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दो जीरो तो ऑलरेडी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान। सर डेसिमल जो पॉइंट्स होती हैं और डिजिट्स होते हैं मींस इनिशियल जो डिजिट्स होते हैं सर वो सिग्निफिकेंट नहीं कहला जाता शायद, बेटा जीरो होते हैं इनिशियल। तो शायद आपने जो है अभी मैंने लास्ट जो चौथा नंबर जो रूल जो समझाया था वो आपने सही से नहीं देखा है शायद। बेटा मैंने यहाँ पर कहा था कि जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। सर आप सही कह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका पॉइंट के डेसिमल के राइट हैंड साइड कोई जीरो आ जाता है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसी तरह से 2.010 तो यहाँ पर भी ये फोर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो 1.020, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है 1.002, ये तो ऑलरेडी चार जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। दूसरी बात, मैंने ये कही थी कि अगर आपका जो डिजिट्स के बाद वाला कोई भी जीरो आ जाता है तो वो भी आपका काउंटेबल किया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है? फाइव सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है, सही है बेटा। अच्छा, अब मुझे जो है वो बताएगा कौन? सुमैया, आप मुझे बताएं इस थर्ड वन जो के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद हैं? बेटा सुमैया, बेटा अलीशबा, आप मुझे बता दें कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है? सर एट। अलीशबा, आप मुझे बताएं कि इसके अंदर एट सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप कह रही हैं तो कैसे पता चला आपको कि ये एट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है? सर एट काउंटेबल है। हाँ बेटा, वही मैं पूछ रहा हूँ आपको कैसे पता चल रहा है कि इसके अंदर एट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है, आप मुझे थोड़ा सा डिफाइन करें। एट सिग्निफिकेंट फिगर सर ये काउंटेबल है और इनमें डिजिट जो है जीरो डिजिट के बाद भी आता है, राइट साइड भी आ रहा है और नॉन डिजिट भी एक तरह से काउंटेबल। बिल्कुल बेटा काउंटेबल है, लेकिन किस तरह से आपको ये पता चला कि यहाँ पर आठ सिग्निफिकेंट फिगर हैं और वो ही आठ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंटेबल है? रूल बताएं मुझे कि इस रूल के मुताबिक ये मुझे ये पहले ये जो है पता चला कि ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फिर इस रूल के मुताबिक जो है मुझे ये पता चला कि जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद होंगे। फर्स्ट रूल ये है कि आप
बेटा डिफाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट रूल में आपने बताया कि जो जीरो से पहले, जीरो जिन डिजिट से पहले आएगा वो नॉन डिजिट होंगे, मतलब वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के लाएंगे। फिर सेकंड रूल में आपने बताया था कि जो जीरो डिजिट होंगे, मतलब 250 जैसे, इनके बाद जो वर्ड्स के बाद जो जीरो आएंगे वो कहलाएंगे, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। फिर जो थर्ड रूल था उसमें आपने कहा है कि जिनके राइट साइड, मतलब जिनके राइट साइड जीरो डिजिट आएंगे वो काउंटेबल होंगे, और वो डेसिमल डिजिट होंगे तो वो नॉन डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। वेरी गुड बेटा, लेकिन थोड़ा सा रूल आप जो है आगे पीछे कर गई है। मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट रूल के अंदर जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब कि जिसके अंदर जीरो नहीं आता, जैसे कि अब यहाँ पर वन भी जो है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, सही है, नाइन भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, उसके अलावा जो है आपका टू भी जो है वो भी आपका क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट। तो एक ये, एक ये, एक ये, ये तो ऑलरेडी मुझे पता चल गया कि तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा रूल मैंने कहा था कि अगर कोई जीरो के दो डिजिट्स के दरमियान कोई जीरो आ जाते हैं, तो यहाँ पर दो जीरो आ गए तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आ गए, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो डिजिट्स के दरमियान दो जीरो आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो ये मुझे पता चल गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। लेकिन अभी हमने चौथा रूल पढ़ा था, उसके अंदर कहा था कि डेसिमल के राइट हैंड साइड अगर कोई जीरो है, मतलब कि अगर आपका कोई डिजिट्स है और उसके राइट हैंड साइड कोई जीरो है तो वो भी काउंटेबल है। तो यहाँ पर ये भी जीरो जो है वो आपका काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके हो गए 8 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो पूछ सकते हैं बेटा। जी बेटा सूरज, आपका हैंड रेज है। जी बेटा अलिशबा, आपका भी हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन बेटा? तो बेटा आप हैंड रेज का ऑप्शन जो है वो रिमूव कर दें अभी। अच्छा बेटा, अब जो है हम आ जाते हैं पांचवें रूल के मुताबिक। पांचवा रूल क्या कहता है, तो उसके अंदर ये कह रहा है कि जीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट ऑफ ए नंबर इज अ ग्रेटर देन वन। अब यहाँ पर आपकी बात कर रहा है कि अगर आपका कोई जीरो जो है वो डेसिमल के एंड पर है और वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है, सही है, तो वो आपका और वो नंबर आपका जो है वो वन से ग्रेटर है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिग्निफिकेंट फिगर हो, लेकिन उसको हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर के दायरे में ले आ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। हम उसको साइंटिफिक नोटेशन की मदद लेकर उसको जो है उसके दायरे में ले आ सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर हम जो है उसको वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैंने कहा कि आपके पास अगर 500 है, सही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेसिमल आ रहा है वो इस जगह पर आ रहा है, सही। तो डेसिमल के इस साइड वाले अब ये जो ज़ीरो हैं ये आपके काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये आपका वन सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन ये रूल के मुताबिक आपको जो है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, इसीलिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हैं और साइंटिफिक नोटेशन की मदद लेकर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको जो जब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेकर जाएंगे तो हम लिखेंगे 5.00 एक्सपोनेंट 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये 5.0 जब एक्सपोनेंट 2, एक्सपोनेंट 2 मतलब कि 100, जब 5.00 आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल आपका यहाँ पर आ जाएगा, सही है। लेकिन फिलवक्त आपका डेसिमल ये यहाँ पर है,
और अब हमें रूल जो है वो लेकर आना है। तो हमने कहा था कि अगर आपका कोई रूल जो है आपका कोई डेसिमल के बाद कोई राइट हैंड साइड कोई ज़ीरो है तो वो काउंटेबल है, और अगर आपका कोई नॉन ज़ीरो डिजिट्स है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंटेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी जो है सिग्निफिकेंट फिगर है। और दूसरा रूल जो अभी हमने फाइनल जो चौथा रूल पढ़ा था उसके अंदर हमें कहा गया था कि आपका जो है ये डेसिमल के राइट साइड अगर कोई ज़ीरो आ जाता है तो वो भी आपका क्या होगा काउंटेबल होगा। तो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो इस जगह पर आपका हो जाएगा ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। सही, ये आपका कितने हो जाएंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर आपको कोई रकम आपको इस सूरत में मिली हो 4000 और आपसे पूछा जाए कि कितना इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, तो बेटा यहाँ पर आपका वन सिग्निफिकेंट फिगर ही मौजूद है। सही है, क्यों? क्योंकि आपका डेसिमल के बाद अगर यहाँ पर कोई ज़ीरो आ जाता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिग्निफिकेंट फिगर हो, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर हो। सही है, तो आप यहाँ पर कहोगे यहाँ पर वन सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर आपको कोई एक्सपोनेंट में कोई चीज़ देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4.00 ये पॉइंट, अब मैंने क्या किया डेसिमल को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर लिख दिया पावर 3, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है? तो बेटा यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट मौजूद है, क्योंकि 4 जो है ऑलरेडी वो एक काउंटेबल सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद जो है चौथा रूल जो कहता है कि डेसिमल के बाद वाले, मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले जो भी आपके डिजिट्स होंगे, जो भी आपके ज़ीरो होंगे वो आपके काउंटेबल होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंटेबल होंगे, तो ये भी आपके काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट मौजूद हैं। मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो मौजूद है। 5000। हाँ जी बेटा अलीश भाई, आप मुझे बताएं। बेटा हफ्सा, आप मुझे बताएं। बेटा हफ्सा, बेटा आसमा, आप मुझे बताएं। सर वन है। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर आपका जो है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कहलाएगा, यहाँ पर आपका वन सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। सही है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 5.00 एक्सपोनेंट 2, तो बेटा यहाँ पर आप कितने सिग्निफिकेंट मौजूद हैं? जी बेटा सूरज, आप मुझे बताएं। सर 3। जी बेटा मुनेश, आप मुझे बताएं। सर 3। वेरी गुड बेटा सूरज और मुनेश, यहाँ पर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि रूल के मुताबिक हमने कहा कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले ये भी जो है काउंटेबल होंगे रूल के मुताबिक। तो यहाँ पर ये यहाँ आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, और जब आपके पास इस सूरत में मिला जाए तो आप कहोगे कि यहाँ पर ये एक सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, मतलब कि ये 3 ज़ीरो जो है वो आपके काउंटेबल नहीं होंगे। सही है, क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, हमने एक टर्म यूज किया था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, या कोई बिल्कुल छोटी वैल्यू हो, जैसे कि अगर मैं अर्थ की बात करूं, मतलब कि अर्थ की मास ऑफ द अर्थ की बात करूं, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक बड़ी सी ह्यूज मतलब कि एक नंबर की सूरत में रकम लिखी हुई है। सही, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड आउट, मतलब कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको पढ़ना, मतलब कि इसको हम किस तरह से कह सकते हैं एक ज़ीरो, ये दो ज़ीरो, मतलब कि ये तो लाखों अरबों में चली जाती हैं। ठीक है, तो
कहने का मतलब यह है कि हम जो है बड़ी रकम को छोटी करके किस तरह से लिखें, मतलब उसको हेल्प विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की मदद लेके जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, सही है। अब उसको एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है m इंटू 10^9, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो m इंटू 10^9। m का मतलब होता है कोई भी नंबर, आपका कोई नंबर हो जो आपको रिप्रेजेंट करना हो, सही है। और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि ये नंबर इतनी मरतबा उसके साथ क्या है मल्टीप्लाई होगा, सही। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 6 उसके साथ पता नहीं कितने ज़ीरो लगे हुए हैं, तो जो है ये आपका एक ह्यूज रकम में मास जो है अर्थ, मास ऑफ द अर्थ लिखा हुआ है। तो अब इसको मैं एक्सपोनेंट में किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ ये आप थोड़ा सा देख लें। अच्छा बेटा यहाँ पर देखें, मैंने क्या कहा है कि मैंने यहाँ पर एक बड़ी रकम लिखी थी, ठीक है, जिसके अंदर 24 जो है वो ज़ीरोज़ हैं। तो इस बड़ी रकम को देखें, आप जब लिखोगे या लिखने में भी आपको दुश्वारी होगी, शायद एक ज़ीरो कम हो जाए, या आप जो है वो पढ़ने में भी आपको जो है वो दुश्वारी होगी कि आपको वो किस तरह, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की मदद लेते हैं, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, सही। तो यहाँ पर जब वो ये रकम आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें कि ये एक ह्यूज रकम जो है वो लिखी हुई है, सही है। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको जब मैं लिखूँगा तो मैं एक्सपोनेंट की मदद से इस तरह से लिखूँगा, 6 × 24 kg, सही। अब जो आपके पास 24 ज़ीरोज़ थे वो आपके आ गए इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ये आपका कहलाएगा एक्सपोनेंशियल, सही है। ये आपका क्या कह रहा है, कहला रहा है एक्सपोनेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह से अगर आपको मास ऑफ एटम जो होता है या जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अगर आप देखोगे तो वो स्मॉलेस्ट, मतलब के एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका, जो अगर आप उसको जब चेक करोगे तो वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उसको आप किस तरह से देते हैं, तो उसके लिए आप 6.02 × −31 जो है किलोग्राम, वो जो है इस तरह से आप जो है वो किसी भी चीज़ को, बड़ी रकम को जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन की मदद से छोटा करके लिख सकते हो और उसको इजीली रीड आउट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपसे अब अभी कोई पूछे कि मास ऑफ अर्थ कितना है, तो आप एकदम से कह सकते हैं कि 6 × 24 kg, कितना, 6 × 24 kg। तो मैंने क्या किया है कि एक बड़े ह्यूज रकम को जो है सिमालेस एक्सपोनेंशियल नोटेशन की मदद लेकर उसको छोटी कर दिया, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो सिमालेस कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सही है बेटा। तो यहाँ पर आप जो है कोई भी रकम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 kilometers कैन बी एक्सप्रेस। अब 2 kilometers मतलब कि 1 meter के अंदर, 1 kilometer के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 meter होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2 kilometer, तो 2 आपका नंबर आ गया और किलोमीटर की जगह पर मैंने 1000 meter लिख दिए, मतलब कि 10^3 लिख दिया, सही है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर 2000 लिखता तो ये बड़ी रकम आती यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या किया, उसको एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मतलब कि इसको रिप्रेजेंट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक चीज़ जो आएगी वो आपकी आएगी नंबर, वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 9 तक, और दूसरी चीज़ आएगी आपकी एक्सपोनेंशियल, मतलब कि 10^10, मतलब कि आपका 10 का पावर होगा उसके ऊपर पावर कितना होता है, सही है। एक बेस 10 आपका क्या हो जाएगा, बेस, और पावर जो है 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, −31 भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर से जो अली उस्मान इंदो क्लास तवां जे अटेंड करला हाने असा उनके ऑनलाइन कराई पे तवां पेंजी जगह केरियन का जो स्टूडेंट का जो हैंड रेज जो ऑप्शन या की जको ओके कन, ठीक है सर। सर मो तो क्लास एंड करी है बस लास्ट टॉपिक ना वो बैठा है सर, तवां जे सब स्टूडेंट बैठा है 12 जना बैठा रहा है ना, पर मो मतलब पेंजो कवर करे वतो लास्ट स्लाइड हुई का शेक ने सर, तो रिपीट करे एक मिनट लगंदो को क्लास इंदो जज गंदो इंदो। हेलो सही है, भले सर आऊं करें बेटा, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, सर रसबुला बच्चे में तमाम बच्चे ये सब कर रहे हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर।
तो बेटा यहाँ पर हम जो है अब जो है चौथा जो पार्ट वो डिस्कस कर लेते हैं, सही है। इसको एक मरतबा और जो है रिवाइज कर लेते हैं, सही है। क्लास भी ऑब्जर्व हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर बेटा आपके पास थर्ड नंबर है। पहले रूल के अंदर तो हमने कहा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट, मतलब कि जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, मतलब कि नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, वो आपके सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, सही है। उसके बाद मैंने कहा था कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि ज़ीरो अगर आपका किसी नंबर के दरमियान में आ जाए तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा तो हम यहाँ पर कुछ जो है एक्टिविटी कर लेते हैं कि आप जो है वन बाय वन जो है मुझे बताते जाएंगे कि किसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो कौन से रूल के मुताबिक हैं, सही है। तो यहाँ पर मुझे बताओ 123 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद हैं। हैंड रेज कीजिएगा, मुझे पता चले कि किस किस बच्चे ने जो है हैंड रेज किया है। बेटा हफ्सा आपको ये बात समझ में नहीं आ रही 123 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद हैं? सर पीपीटी शो नहीं हो रही, पीपीटी शो नहीं हो रही। बेटा सबको शो नहीं हो रही है, आपके साथ है। अगर आपके साथ हो तो बेटा आप जो है वो एक मतलब अपने हैंडसेट को जो है रिफ्रेश कर लें, अपने ऐप को रिफ्रेश कर लेंगे तो वो आपके पास शो हो जाएगी, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, सही है। ये देखें 123 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद हैं। अच्छा बेटा गोविंदा आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद हैं? सर थ्री थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि जो जिसके नंबर के अंदर जीरो नहीं आता वो आपके क्या है, थ्री सिग्निफिकेंट जो है सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 1002, तो इसके अंदर बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है? जी बेटा कुछ देर से आप मुझे बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर। फोर। अच्छा बेटा आसमा आप मुझे बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद है? सर फोर हैं। फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर मौजूद हैं, सही है बेटा, फोर सिग्निफिकेंट यहां पर मौजूद हैं। आपको कैसे पता चला कि इसको डिफाइन कौन करेगा, कि आपको कैसे पता चल रहा है कि इसके अंदर फोर सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, कोई मुझे डिफाइन करके बताएगा अभी? सर मैं बताऊं? हाँ जी बेटा आसमा बताएं। सर सेकंड रूल के हिसाब से। अच्छा सेकंड रूल क्या कहता है बेटा? सर अगर दो नॉन सर दो डिजिट्स के बीच में जो भी जीरो आ जाता है ना सर वो भी काउंट किए जाते हैं। वेरी गुड बेटा, जो भी आपके दो डिजिट्स के दरमियान अगर कोई ज़ीरो आ जाता है तो वो काउंटेबल है, मतलब कि उसको हम काउंट कर सकते हैं, सही है। अच्छा अब मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ 1030, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद हैं, कौन बताएगा बेटा? जी बेटा मुनेश आप बताएं। सर फोर।
फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। बिल्कुल बेटा, आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर फोर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है? सर क्योंकि सर पहले तो सर पहले हमें बताया गया है जो सर नॉन जीरो डिजिट हैं वो सर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, और सर इन जो डिजिट के बीच में सर जो नंबर होता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है, और सर जो लास्ट में आता है सर जीरो सर वो सिग्निफिकेंट होता है। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर मुझे पहले ही बताया गया था कि जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो आपके तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर आपका ज़ीरो जो है वो किसी नंबर के दरमियान में आ जाता है तो वो भी क्या है, आपका सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। और ज़ीरो अगर आपका राइट डेसिमल के बात है, मतलब कि इस यहाँ पर। वालेकुम सलाम साईं भैया, तो जो उन पासे मिसिकर वाले पासे तो सर आए लो, बाकी तुम्हारे पास कौन आयो है तो तमा बोले वाइंड टैप करे छियो किसो? बिल्कुल सर, कौन आयो? आई मो वेरी वेरी रिवाइज कर आयो बे ये असा गलायो पे यार, असा ऑनलाइन वासी बी क्लास में उनसा डिस्कशन कई सी पे, तो असा चो तो एकडी फिजिक्स की क्लास भले पैसा जी ठीक है जी जी, हु वरी थी सके उनके कम कारण ना मेरे हिसाब से माना सिकरावरी क्लास में हो तुम्हारी क्लास में असा जो मे भी मना अच्छे अटेंडेंस भली लगी पई पीपीटी तुम्हारी और ठैली वीआईपी ठैली और हिसाब से जो आठ चक्कर थी सही है। बिल्कुल, बस वो असल में ये सेशन 1 बजे तो वाइंड अप कर चलो, भले भले वाइंड अप कर चलो सर। ठीक चलो सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। साइंटिफिक नोटेशन क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा बेटा, अब आपको एक काम करना है, ये कि आपको कल मुझे जो है हर कोई जो है तकरीबन 10 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर जो है इंडिविजुअली मतलब कि अलग अलग से लिख कर दिखाएगा, मतलब कि वो मुझे सेंड करेगा इन द चैट बॉक्स। और पहली पिछली असाइनमेंट भी जो है सिर्फ 3 बच्चों के अलावा किसी ने सबमिट नहीं किया, ये मतलब कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं कोई बेटा आपको कोई टास्क देता हूँ तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करना, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। सही है, एक अच्छे स्टूडेंट होने की ये साइन नहीं होते। आप मुझे उम्मीद है कि आप जो है 10 जो है नंबर साइंटिफिक नोटेशन के वो लिखकर बताओगे, और 10 सिग्निफिकेंट फिगर के जो है नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मुझे लिखकर बताओगे, कोई भी हो। जैसे कि मैं 146 लिख देता हूँ, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन उसके अंदर 5 ही आने चाहिए, मतलब कि ऐसा समझो कि 2 आपके फर्स्ट रूल के हो, 2 आपके सेकेंड के हो, 2 आपके थर्ड के हो, 2 आपके फोर्थ के और 2 आपके फिफ्थ रूल के हो, मतलब कि 10 MCQs आप 10 आपकी जो है वो नंबर बनाओगे और दोनों 5 रूल को उसमें डिफाइन करोगे। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर, यस सर, यस सर।